दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डीपीएस रेजिडेंशियल स्कूल पालमपुर। उपमंडल जुवाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत भलाड़ के वार्ड नंबर 2 के शीनो देवी का परिवार दो वक्त की रोटी का मोहताज हो गया है। बता दें कि शीनो देवी 4 सालों से बीमारी से जूझ रही हैं और परिवार के पास जो जमा पूंजी थी वह शीनो देवी के इलाज में लग गई, लेकिन परिवार इतना गरीब है कि उनका पालन पोषण भगवान के सहारे ही चल रहा है। उनके घर में 6 सदस्य हैं, लेकिन शीनो देवी के बेटे का मानसिक संतुलन सही न होने के चलते वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। वहीं जमा पूंजी न होने से बच्चों की पढ़ाई भी रुक चुकी है और ऊपर से रसोई में खाने पीने का राशन तक नहीं है। बता दें कि मकान की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है कि मकान में जगह जगह दरारें आ गई हैं और यह स्लेटपोश मकान कभी भी गिर सकता है। अब शीनो देवी की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जब इस बारे में पंचायत प्रधान मंगल सिंह और वार्ड पंच प्रभात सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा, हमने पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की है और उन्होंने कहा पंचायत ने हर संभव मदद की है और पंचायत हर वक्त उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा 2-3 स्कीम में इनका मकान भी डाला है और जब भी यहाँ हमारी नवनिर्वाचित पंचायत में मकान बनेगा तो प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं का मकान सबसे पहले बनाया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार की बेटी लक्ष्मी ने कहा पंचायत ने हमारी संभव मदद की है और वह सरकार और जवाली के विधायक अर्जुन ठाकुर से गुहार लगा रही हैं कि हमारी हर प्रकार से मदद करें जिससे उनकी रुकी हुई पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके और उनकी दादी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में हो सके जिससे उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज ना होना पड़े और बस एक नया जीवन मिल सके। बीमार हैं? अच्छा, कब से? 3-4 साल हो गए। अच्छा, 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो इनका खर्चा कैसे हो रहा है दवाइयों का? दवाइयों का खर्चों की हेल्प कर देती है प्रधान, कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा। और क्या समस्या आपकी? समस्या ये घर में मतलब खाने पीने के लिए अभी तक पैसे नहीं है। अच्छा। मुश्किल से गुजारा होता है। अच्छा। और डैडी मेरे जो मतलब मानसिक इफेक्ट है उनको। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसे चलता है। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 6 हैं। 6 हैं, तो क्या क्या करते हैं वो? क्या क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। दादू दादी तो बीमार रहते हैं। हाँ जी। और पापा ऐसे ही हैं, तो मम्मी भी। अच्छा अच्छा, आप लोग क्या करते हो? स्टडी करते हैं, मगर पैसे की दिक्कत की वजह से मतलब स्टडी भी अभी रुकी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, पंचायत वगैरह कुछ हेल्प करती है आपकी? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, घर का खर्चा वगैरह? खर्चा वगैरह ऐसे निकलता है, मेरे डैडी मिल जाए तो कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और घर की सिचुएशन आप देख लो। हाँ, घर की कंडीशन तो हमने देख लिया, घर की हालत तो बहुत खराब है। मैं तो पानी निकलता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, दिक्कत होती है हमें यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हो? सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें मकान के लिए पैसे दे दें और हमारी स्टडी के लिए पैसे दे दें, क्योंकि हमारी स्टडी, हमें तो खाने पीने की बड़ी दिक्कत आता है, स्टडी कैसे करें। और मेरे भाई ने प्लस टू के बाद 2 साल ऐसे बर्बाद हो गए उसके बिना पैसे के। अच्छा अच्छा, तो सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें स्टडी और घर के लिए पैसे दे दें, हेल्प कर दें। अच्छा अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो आप? और सभी से रिक्वेस्ट है कि जितनी हमारी कोई हेल्प कर सकता है वो कर दे, हमें हमें बहुत जरूरत है इस वक्त। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। अब अपने बच्चों को सेना में अफसर बनाने का सुनहरा मौका, सेना में अधिकारी बनने का सपना होगा साकार। पालमपुर के डीपीएस रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एनडीए की कोचिंग भी प्रदान की जाएगी। यहां पर हॉस्टल की सुविधा भी बच्चों को प्रदान की गई है। सेना से संबंधित परिवारों को मिलेगी विशेष छूट। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ डिफेंस ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। शैक्षणिक कक्षा में 50% छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें 8-6-2-6-9-4-3-3-1-4 या 8-6-2-6-9-3-3-1-4।